जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ग्लास फ्लोर ऑब्जर्वेटरी पर हूँ। ये सी एन फ्लोर का एक लेवल है और यहाँ पर एक तरफ लेक व्यू है, एक तरफ सिटी व्यू है, बड़ा खूबसूरत मंजर। और इसकी हाइट को अभी टिकट से देख कर हम बताते हैं कितनी हाइट है। मोर देन 1000 फीट, मोर देन 1000 फीट। बड़ी नाइस प्लेस है जी, और मैं हबीब भाई का शुक्रगुजार हूँ जो मैं यहाँ लेके आए हैं। और थैंक यू वेरी मच हबीब भाई, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल व्यूअर्स, शुक्रिया। शाहिद रियाज शेख खड़ा है, ये सी एन टावर के लेवल फर्स्ट पर खड़ा है। और सी एन टावर टोरंटो का एक सबसे बुलंद तरीन टावर का नाम है और ये दुनिया के अजायबात में भी आता है। 447 मीटर और तकरीबन 1250 फीट के करीब इसकी हाइट है और बड़ी प्यारी जगह है। रिकमेंड करूँगा अपने तमाम दोस्तों को कि वो यहाँ पर जब भी आएँ इसको जरूर देखें। और इस तरह मैं अपने और फैमिली मेम्बर्स को भी याद कर रहा हूँ कि अगर यहाँ होते यकीन बहुत इन्जॉय करते हैं। सुसन मंदाल हमारी साहब जो कि एक बेहतरीन मेरे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनको मिस कर रहा हूँ। दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनके भी कामयाबी ता करे, क्योंकि उम्मीद है कि इसी साल वो यहाँ पर होंगे और इंशाल्लाह खुद अपने मुबारक कदम जो है सी एन टावर के ऊपर रखेंगे। और बाकी यह काज महल मोहल्ला सब असलाम के जहूर में ताजील की दुआ के साथ शाहिद रियाज शेख आपसे फ्री होकर टोरंटो कैनेडा से इजाज़त चाहता है। खुदा Thank you.
Okay, so welcome to the CN Tower for the information of France. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त शहर आज शेख खास से मुखातब है सीएन टावर के लास्ट लेवल से, लास्ट फ्लोर से। ये तकरीबन 447 मीटर और मोर देन 1200 फीट जो है इसकी बुलंदी है ग्राउंड लेवल। और ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा माहौल, बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यारा मौसम टोरंटो कनाडा में। और मोहम्मद अली हबीब भाई के साथ उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे बहुत सारे डेरा ड्राइंग के लिए। और ऐसा से बात करिए कि मेरे जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये एक दुनिया के अजायबाद में से, मैं अभी पढ़ रहा था कि वो सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसके लिखा हुआ था 1996 में ये बनाया है। और ज़बरदस्त जो है एक सिंबल है टोरंटो का, ज़बरदस्त ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं समझता हूँ कि जो टोरंटो में आए और इसको ना देखे तो वो ज़्यादती है, वो कुछ भी नहीं देखा। जैसे कि पाकिस्तान में है जिन्हें लाहौर नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ऐसे ही यहाँ की मिसाल है कि जिसने ये सीएन टावर नहीं देखा और ये नहीं कि नीचे से देखा, ऊपर आके नहीं देखा तो समझ लें उसने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ऊपर आके देखना ज़रूरी है, अगर उसने ये देखा तो सब कुछ देखा। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। शेख इस वक्त सी एन टावर के लेवल फर्स्ट से आपसे मुखातब है और ये है एक ज़बरदस्त किस्म की टूरिस्ट एक्टिंग प्लेस। तो मैं अपने तमाम उन दोस्तों को रिकमेंड करूँगा जो टोरंटो की सैर करने के लिए आए और सी एन टावर को पर्सनल देखें तो बड़ी जाती होगी। ये वाकई डिज़र्व करता है कि इसको ऊपर आके देखा जाए। यहाँ से पूरा शहर टोरंटो का, उसमें लेक व्यू भी है और सिटी व्यू भी है दोनों। रात के टाइम सुबसन ज़बरदस्त नज़र आते हैं, यहाँ की जो लाइटिंग है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है। और बाकी ये है कि मैं अपनी फैमिली में को मिस कर रहा हूँ, बेगम को, बच्चों को, वालदैन को, भाइयों को, अपने दोस्तों को, हसन असर साहब को, अली भाई को, और स्पेशली मुमताज़ बुखारी साहब को, फयाज़ बुखारी साहब को, एजाज़ बुखारी साहब को। अगर वो यहाँ पर होते यकीनन बहुत इंजॉय करते, क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने चाह ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने चाहा जल्द से जल्द उनका वीज़ा भी लगेगा, वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और सुसन मुमताज़ बुखारी साहब को तो मुझे उम्मीद है कि वो उस साल के अंदर अंदर अल्लाह पाक हमें खुशखबरी दे देगा और वो यहाँ टोरंटो में आके अपनी जो मसरूफियात को जारी रखेंगे। और अब यह है कि कायम अलमदलाम के साथ मुमताजी की दुआ के साथ शाहिद रियाज़ शेख उस वक्त के लिए आपसे ज़्यादा चाहता है। Thank
जी मोहतरम हबीब भाई जान बताइए कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं रिपलीज एक्वेरियम के सामने। अच्छा जी, टोरंटो डाउनटाउन, और बहुत जबरदस्त मौसम है और सीएन टावर के कदमों और राइट बिलो सीएन टावर एज वेल, और बहुत गर्मी है। आइंदा कैनेडा आने के लिए सर्दियों का इंतजार करें। जी मोहतरम रजा भाई, आप कुछ बयान फरमाएं। मैंने बताया था कि आइंदा आने के लिए सर्दियों का इंतजाम करें। नहीं तो आप दुबई चले जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना टूर मुकम्मल करते हुए आज का टूर अभी सीएन टावर से नीचे आए हैं। इसके बाद हमने खाना खाया है और आपको थोड़ा सा हमने व्यूज़ दिखाए हैं अपना लेक शोर के। लेक शोर का मतलब कोई लेक का शोर नहीं, इसका मतलब होता है झील का किनारा। और यहाँ पर जो अब आपके सामने हम खड़े हैं, ये है बिल्कुल बेस कैंप ऑफ सीएन टावर टोरंटो। और मेरे पीछे जो है कनाडा 150 लिखा हुआ है, इसका मतलब हबीब भाई ज़्यादा बताएंगे कि शायद 150 साल हो गए इसको। 150 साल हो गए, 2017 जुलाई 1 को कनाडा की 150वीं बर्थडे थी। थैंक यू जी, शुक्रिया और खुदा हाफिज। अभी आपने कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 25 सितंबर 2017, बड़ा खुशगवार और सनी डे, और दिन है आज कौन सा, मंडे का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं डाउनटाउन टोरंटो में खड़ा हूँ मोहतरम शाहिद रियाज़ शेख साहब के हमरा, इनकी तरफ ही मैंने स्टे किया हुआ है और इनके शुक्र गुज़ार हैं कि हमें ये इधर उधर लेके घूम रहे हैं, इनकी मेहरबानी है। अल्लाह पाक इनकी तौफीक दे, खैर में बरकत दे, आमीन। और ये है कि आज माशाल्लाह जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल सीएन टावर उधर उधर देखें जी, तो मेरे बैग पे है। इसके अलावा हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बस मेरे पीछे आ रही है, देखें जी, स्ट्रीट कार, इसको स्ट्रीट कार बोलते हैं। इधर देखें जी, इधर ज़रा जान भाई, इधर मेरे साथ आ रही है, हमारी बैग के ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक कार। ये यहाँ के स्पेशल चीज़ें हैं, ये सिंबल है इधर के ना, यहाँ के हेड से जाए। हाँ जी, और मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम निशान भाई से कि वो थोड़े से हमारे व्यूअर्स को वो अपने कमेंट्स में बताएं। बताएं जी निशान भाई। सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I just want to say welcome to everyone who's watching from anywhere where you are in the world. This is Toronto, Canada. Welcome to my home. I live in Canada. This is Toronto. This is my city. And I have the pleasure of hosting Mr. Sheikh Shahid, who's come visiting me from Lahore, Pakistan. And Mr. Ali Raza, the cameraman, currently, who's me from Montreal. And I'm showing him around Toronto. So today we're in downtown. CN Tower is behind us. I'm showing the different sights and symbols, the streetcars, etc., different people. Different types of, ethnicities, diversities. There's many different ethnic minorities in Toronto. And that's the best part of Toronto, is that we're all different, but we're united as Torontonians and as Canadians together. All right? जी शुक्रिया। और ये नाज़रीन, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का बिल्कुल करीबी इलाका है। बहुत स्टूडेंट हैं यहाँ पर, परियाँ भी बहुत हैं। थैंक यू।